हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। इंडियन रेलवे ने अपनी सर्विसेज को 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया था, लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर के आज से अगले 21 दिनों तक के लिए लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है। और इस लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे की सारी पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि इस लॉकडाउन के दौरान इंडियन रेलवे की सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, यानी कि कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी। अगर हम आज से 21 दिनों तक की गिनती करें तो यह होता है 14 अप्रैल तक, यानी कि 14 अप्रैल 2020 तक इंडियन रेलवे की कोई भी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी। इंडियन रेलवे ने 22 तारीख को ही टिकट कैंसिलेशन को लेकर के एक नया रूल निकाला था, जिसमें 15 अप्रैल के पहले पहले यदि किसी का इंडियन रेलवे का टिकट है और उस दौरान कोई ट्रेन कैंसिल होता है तो उस टिकट को कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और टिकट कैंसिल करने का सारा प्रोसीजर वही होगा जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन टिकट है तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपने जिस अकाउंट से पेमेंट किया है उसी अकाउंट में आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। काउंटर की टिकट है तो काउंटर की टिकट आप काउंटर पर जाकर के 21 जून के पहले पहले इस दौरान जितनी भी ट्रेनें रद्द हुई हैं उसका काउंटर पर जाकर के टिकट कैंसिल करा के पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। किसी भी इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर के आप अपने टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं, वो भी 21 जून के पहले पहले यदि इस दौरान आपका जर्नी का टिकट है तो। बस यही अपडेट था इंडियन रेलवे के ट्रेन को लेकर के। इंडियन रेलवे की पैसेंजर ट्रेनें 14 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी गई है। 14 अप्रैल के बाद का क्या डिसीजन होगा ये तो उस वक्त बताया जाएगा। फिलहाल ये जो अपडेट्स हैं ये हमारे और आपके सामने है और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के अपडेट्स आप लोगों के बीच लाता रहूं। चलिए, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।